हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके क्लासेस में। आई एम योर मैथ टीचर मनीष कुमार। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने हॉलीडेज होने से पहले हमने एक्सरसाइज 2.1 की क्वेश्चन 5 तक हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं। तो आज हम यहाँ पर यूनिट 2 एक्सपोनेंट की एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर आगे तक जो भी क्वेश्चन हैं आपके उनको डिस्कस करने वाले हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको इसमें कितने क्वेश्चन आपके 10। तो यहाँ पर 6, 7, 8, 9, 10 डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। इसमें मैंने आपको कुछ बेसिक टर्म्स या फॉर्मूले लिखवाए थे, आई होप वो आपको रिमेम्बर होंगे या भूले नहीं होंगे, आपने होमवर्क किया होगा। तो सबसे पहले मुझे ये क्वेश्चन करना है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट टर्म को मैं सेम एड्रेस रहने दूंगा, पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। इनटू 9/25 7/29/15625। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं दोनों के बेस इक्वल बनाऊंगा। तो बेस इक्वल बनाने के लिए ये तो पहले से ही इसका मैं फैक्टर नहीं कर सकता, तो ये एडिज रहेगा। इनटू मैं इसको लिख सकता हूँ 3/5 और पहले से होल पावर कितनी थी इसकी, मैंने इसको लिखा क्योंकि 3 3 = 9, 5 5 = 25 इक्वल टू, जब हम 729 के फैक्टर करेंगे तो ये आएगा आपका 3 और ये किसका स्क्वायर बनेगा 5 का। जब मैं इनको फैक्टराइज करूंगा तो मुझे मिलेगा ये कितने टाइम जाएंगे, 6 टाइम जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ करके 729 की जब फैक्टराइज करूंगा 3 3 divide = 3 2 = 6, 3 4 = 12, 3 3 = 9, फिर 3 divide करेंगे 3 8 = 24, 3 1 = 3, 3 3 2 = 6, 3 7 = 21, 3 9 times, 3 3 times, 3 1 times, तो 1 2 3 4 5 6, 3 के मल्टीपल्स कितने टाइम्स आए, 6 टाइम्स आए। सेम इट इज 5 के मल्टीपल्स आएंगे, आप सेल्फ से करके देख सकते हैं इसको एक बार। तो 3/5 रहा होल पावर 2x, जब पावर की पावर हो तो क्या करते हैं, पावर की क्या होती है, प्रोडक्ट हो जाती है। तो 2 2 = 4 इक्वल टू 3/5 6। अब हम जानते हैं जब बेस सेम इक्वल हो तो क्या होता है, पावर्स को ऐड कर देते हैं इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहां पर मैं देख रहा हूं दोनों के बेस इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों के एक्सपोनेंट से पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो मैं लिख सकता हूं 3/5 2x + 4 इक्वल टू 3/5 6। बेस इक्वल है तो हम क्या करेंगे, किसकी कंपेयर करेंगे, केवल हम कंपेयरिंग किसकी करेंगे, एक्सपोनेंट की कंपेयरिंग। तो हम क्या करेंगे, इसके पावर्स को कंपेयर करेंगे। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड की पावर कितनी है इसकी, 2x + 4 इक्वल टू 6। वो से यहाँ पर क्या करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, तो कैंसिल नहीं होता है, वो एक तरीके से कंपेयर करते हैं, क्योंकि बेस इक्वल है तो बेस से बेस कैंसिल हो जाता है, तो हम केवल इसकी पावर्स की कंपेयर करते हैं। अभी आपकी सीधी क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गई है। आप क्या करना है, आपको वेरिएबल वेरिएबल वन साइड करना है और न्यूमेरिक वैल्यू वन साइड करनी है। तो वेरिएबल मैंने को मैंने एक साइड रखा है, 6 पहले से उधर साइड था, 4 को टू साइड लेकर आ जाएंगे। तो 2x = 6 - 4 = 2, x = 2/2, तो x = कितना आपका आएगा 1। ये आपका आंसर है, ये आपसे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को दोबारा नोट डाउन करेंगे। 4/2x + 10 divide by 2 = 37। तो जो डिवाइड का साइन है उसको सबसे पहले क्या करेंगे, अपॉन हम लेकर आएंगे = 37। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बनेगा 4/2x + 10 = 37 2 = 74। 4/2x रहा इक्वल टू नंबर नंबर वन साइड कर लेते हैं, 74 - 10। 4/2x रहा इक्वल टू में कितना बचा आपका, 64।
4 की पावर 2x। अब मुझे क्या करना है, इक्वल टू में भी 4 की पावर बनानी है, और मैं जानता हूँ कि क्या 4 की पावर 3 को हम कितना कहते हैं 64, क्योंकि 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जो 16, 16 4 जो 64। अब दोनों साइड बोथ साइड क्या है, दोनों के बेस इक्वल है, तो हम क्या करेंगे इसकी पावर को कंपेयर कर लेंगे, 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/2, और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सिंप्लीफाई। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें क्या गया, सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 64 का फैक्टर करेंगे। जब हम 64 का फैक्टर करेंगे तो मुझे मिलेगा 2 की पावर 6 को हम क्या कहते हैं 64 कहते हैं, क्योंकि 2 टू जो 4, 2 जो 8, 2 16, 2 जो 32, 32 टू जो 64। 81 को कितना कहते हैं, 3 जो 9, 9 3 जो 27, 27 3 जो 41, तो कितना बना सकता, 3 की पावर 4 इंटू ये 3 के पावर नहीं, 3 की पावर 3, 3 जो 9, 9 3 जो 27। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब 256, तो 2 टू जो 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 जा 64, 64 2 जा 128, 128 2 जा 256, तो 2 का रिटर्न आएगा 678, 2 की पावर 8। आप फैक्टराइज करके देख सकते हैं, मुझे लर्न है तो मैं इसको डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, 5 की पावर 2। अब हम जानते हैं कि जब बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। पहले इसको थोड़ा स्टेप और कर लेते हैं, 2 की पावर 6 इंटू मल्टीप्लाई है, दोनों के बेस सेम है और पावर के क्या हो जाएंगे, एड हो जाएंगी, 4 और 3 7, इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। अब मैं इसको डिवाइड करूँगा, बेस सेम है, पावर क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो इससे 6 कैंसिल हो जाएंगी, इससे 6 कैंसिल हो जाएंगी, तो ऊपर बचा केवल 3, नीचे पावर कितनी थी 8 थी, 6 कैंसिल हो गई, नीचे कितनी बची 2 की पावर 2, और एक बचा 5 की पावर 2, ये कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे 7 थे, 7 में 6 कैंसिल हो चुकी है, एक बची है, तो यहाँ से बचा आपका 3, यहाँ से बचा 2, 2 जा 4, 5, 5 जा 25, इक्वल टू 3/100। हो सकता है अभी आपको क्लियर समझ में नहीं आया कि मैंने कैंसिल पे कैसे पावर कैंसिल कर दिए हैं, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 2 को 6 टाइम देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कॉपी में नहीं करना है आपको, मैं अलग से बता रहा हूँ आपको। 3 को इतना लिखना 7 टाइम्स, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 अपॉन, तो कितना लिखना 8 टाइम्स लिखना है, आप और बड़ा जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, थ्री टाइम लिखना 6 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 इंटू 5, कैंसिल करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर 2 बच जाएंगे, फिर 3 कैंसिल करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ऊपर कितना बचा आपका, केवल 3 बचा है, और नीचे बचा है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, तो ये इसको मैंने एड्रेस लिखा है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। वैसे मैंने फॉर्मूला यूज किया है, जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अगर ऊपर वाली पावर्स ग्रेटेस्ट होती है तो ऊपर पावर बचती है, अगर नीचे वाली पावर ग्रेटेस्ट होती है तो पावर नीचे बचती है। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ऑलमोस्ट सेम है, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 करके दिखा देता हूँ एक बार। पूछा है, बाई वॉट नंबर शुड 3/5 की पावर 7 बी डिवाइडेड टू गेट 5/3 की पावर 2, यानी कि इस नंबर में हम किस नंबर से डिवाइड करें कि हमें क्या मिल जाए, ये मिल जाए। तो लिखेंगे हम, लेट x शुड बी 3/5/7 टू गेट 5/3 की पावर 2, यानी कि मैं इस नंबर में से x को डिवाइड कर दूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 5/3 की पावर 2। अब जो मैंने आप बोला है उसको लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैंने क्या किया है, मैंने ये लिखा है कि मैं अगर 3/5/7 को डिवाइड कर दूं किस से, x से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, व्हाट वी गेट, 5/3 की पावर 2, तो मुझे ये मिल जाएगा।
तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, उसको अपॉन वन लेट कर लेता हूँ, या हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि अगर किसी नंबर के साथ कोई नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो उससे क्या चला जाता है, बनकर क्या चला जाता है, डिवाइड बनकर चला जाता है। तो ये नंबर क्या चला जाएगा, डिवाइड बनकर चला जाएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं एक्स क्या है हमारा, डिवाइड में है, डिवाइड में उधर जाकर क्या बन जाएगा, मल्टीप्लीकेशन बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 3/5 इक्वल टू, पहले से यहाँ पर 5/3 है, इंटू क्या हो गया x क्या आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया। क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई को या डिवाइड को इक्वल टू के अपोजिट साइन लेकर जाते हैं तो डिवाइड किस में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई किस में डिवाइड होता है, कन्वर्ट होता है डिवाइड में। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई के साथ ये मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ पर आ जाएगा, ये इसके अपोन में आ जाएगा, ये अपोन में आएगा ना। तो उसको अपोन को मैं डिवाइड में लिख सकता हूँ, अपोन का मतलब डिवाइड का मतलब एक ही है। यहाँ पर नेक्स्ट को नेक्स्ट स्टेप लिख लेंगे, यह आया 5/3 नेक्स्ट सिस्टम में लिख लेंगे इक्वल टू एक्स। तो ये ऊपर हमारा 3/5 7/7 रहा डिवाइड है, इसको डिवाइड लिख लूंगा मैं, और ये बना 5/3 इक्वल टू एक्स। अब मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि दोनों बेस सेम नहीं है, तो सबसे पहले मेरा काम क्या रहेगा, मैं दोनों की बेस को इक्वल कर लूँ। तो ये 3/5 7/7 रहा डिवाइड, क्या मैं इसको ऐसे लिख कर लिख सकता हूँ, 3/5 अगर हम किसी भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं, उसकी न्यूमेटर को डिनोमेटर, डिनोमेटर को न्यूमेटर बनाते हैं, तो उसकी पावर क्या होती है, नेगेटिव हो जाती है, इक्वल टू एक्स। अब दोनों बेस सेम है तो क्या करूँगा मैं, किसमें दोनों डिवाइड में, और डिवाइड में पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 3/5 -2 इक्वल टू एक्स। यहाँ पर कितना बना, 3/5 इक्वल टू एक्स, 3/5 इक्वल टू एक्स। यानी कि ये वो नंबर है जिसे डिवाइड करने पर मुझे कितना मिल जाएगा, 5/3 आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 10, बाई वॉट नंबर शुड 7/11 बी डिवाइडेड टू गेट दिस। तो इस वाला क्वेश्चन में कोई सिमिलरिटी ज्यादा है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। जब आप 3/4 को फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा 7/3, और जब आप 121 को फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा आपका 11/3, तो ये बनेगा 7/11। जब आप इसको इक्वलेंस में लिख लेंगे, इसकी जगह आप ये भी यूज कर सकते हैं, 7/11। आप देख रहे हैं कि दोनों ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम है, तो आप इसको एक बार ट्राई करेंगे सेल्फ से, नहीं होगा तो आप मुझसे पूछ लेंगे दोबारा, ठीक है। ओके, हैव अ गुड डे।